नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान टूर में। आज हम बात करेंगे LIC की न्यू जीवन उमंग टेबल नंबर 845 के बारे में। LIC जीवन उमंग प्लान टेबल नंबर 845 इज नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट होल लाइफ अश्योरेंस प्लान। दिस प्लान प्रोवाइड्स फॉर एनुअल सर्वाइवल बेनिफिट फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीमियम पेइंग टर्म टिल मैच्योरिटी एंड लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी या डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म्स। यस, इस पॉलिसी का शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। यह एक प्लान जो है वो प्रॉफिट के साथ साथ होल लाइफ अश्योरेंस प्लान है। जैसे ही इसमें आपका टर्म ख़त्म होता है, उसके साथ आपको हर एक साथ सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, वो भी जीवन भर। प्रीमियम पेइंग मोड की बात करें तो इसमें ईयरली प्रीमियम पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली पे कर सकते हैं और मंथली भी पे कर सकते हैं, और डिपेंड करता है आपके ऊपर। टर्म की बात करें तो 100 साल से लेकर माइनस एज एंट्री, सपोज़ करिए आपका 20 साल है तो 80 साल का टर्म होगा, सपोज़ करिए आपका 15 साल का टर्म है तो आपका 85 साल का टर्म होगा। पॉलिसी प्रीमियम टर्म की बात करें तो आप 15 साल का टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, 20 साल का कर सकते हैं, 25 साल का कर सकते हैं, 30 साल का कर सकते हैं। मिनिमम एज एंट्री जो रखी गई है केवल 90 डेज, यानी 3 महीने का बच्चा भी इस पॉलिसी को ले सकता है। मैक्सिमम एंट्री एज जो रखी गई है, अगर 55 साल आपका एज है तो 15 साल का टर्म ले सकते हैं आप, अगर 50 साल का एज है आपका तो 20 साल का टर्म ले सकते हैं, अगर 45 साल का टर्म है तो आप 25 साल का टर्म ले सकते हैं, अगर 40 साल का आपका एज है तो आप 30 साल का टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम एज एट द एंड ऑफ द PPT 30 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे, मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ द प्रीमियम पेइंग टर्म इज 17 ईयर्स, एज ऑफ मेच्योरिटी 100 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे, मैक्सिमम एज मेच्योरिटी एज आपको मालूम ही है। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम सम एश्योर्ड जो रखा गया है 2 लाख रुपीज़ है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो कोई इसकी लिमिट नहीं है, डिपेंड अपॉन योर इनकम्स की हाउ मच यू अर्न मनी। मैक्सिमम एक्सीडेंट डेथ एंड द डिसेबिलिटीज बेनिफिट राइडर अप टू द एज ऑफ 70, मैक्सिमम एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर शैल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स ड्यूरिंग द PPT ओनली। पॉलिसी बेनिफिट की बात करें ऑन डेथ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क an amount equal to the total amount of the premium paid without interest shall be payable. Yes, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, ऑन डेथ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। यस, अगर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क से पहले अगर डेथ होती है तो an amount equal to the total amount of premium as paid without interest shall be payable. Yes, बिना इंटरेस्ट के जो भी आपने अमाउंट प्रीमियम पे किया है वो आपको मिल जाएगा। ऑन डेथ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यस, अगर आपका कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के बाद डेथ होता है तो इसमें आपको सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्सिंग बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, ये सारे इंक्लूड होके आपको मिलेगा। वेयर सम एश्योर्ड ऑन डेथ इज डिफाइंड एज ए हाइएस्ट ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या 10 टाइम ऑफ एनुअलाइजिंग प्रीमियम या 105% ऑफ प्रीमियम पेड एज ऑन डेथ। सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो ऑन सर्वाइवल 8% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड शैल बी पेएबल ईच ईयर। यस, आपका 8% बेसिक सम एश्योर्ड का आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता रहेगा लाइफ टाइम, जीवन भर। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो द पॉलिसी कैन बी सरेंडर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 3 फुल ईयर प्रीमियम हैव बीन पेड। यस, 3 साल के बाद अगर आपने अपनी पॉलिसी को क्लोज करना है, बंद करना है, तो अगर आपने 3 साल फुल प्रीमियम पेड कर दिए हैं तो आप अपने पॉलिसी को क्लोज या बंद करवा सकते हैं, बट अगर आप बंद करवाते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। लोन फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल अंडर दिस प्लान आफ्टर द फुल पेमेंट ऑफ 3 ईयर्स विल बी एप्लीकेबल फॉर द लोन। अगर आपने 3 साल पॉलिसी का फुल पेमेंट कर दिया है तो आप लोन के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे और आप लोन ले सकते हैं। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? सबसे पहले आपको LIC की एक पॉलिसी बॉन्ड, एक ID प्रूफ और अपना एक बैंक का कैंसिल चेक या पासबुक आपको नज़दीकी जहां पे आपने ब्रांच से पॉलिसी लिया उस ब्रांच में इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने का। विदिन 7 डेज के अंदर आपका लोन का पैसा आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पेमेंट पैड अंडर दिस प्लान इज एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। यस, इस प्लान के अंदर आपको 80C के तहत आपको रिबेट मिल जाएगा। मेच्योरिटी अंडर दिस प्लान इज टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D। तो एक कैलकुलेशन करके मैं दिखाता हूँ कि इस प्लान में क्या फीचर है। सपोज करिए मेरा ये आई विल सेलेक्ट 25 ईयर्स टर्म्स एंड 10 लाख सम एश्योर्ड।
तो मैं चेक करता हूँ क्या बेनिफिट मिलता है इसमें मुझे। सपोज़ कि मेरा मेरा जो ईयरली प्रीमियम बनेगा 40,390 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बनेगा 39,521 रुपये। टोटल मैंने अप्रॉक्सीमेट पैड प्रीमियम किया है 988,894 रुपया। और मुझे जो मिलने वाला है सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो देखिए मुझे सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा 80,000 रुपये एनम यानी 8%, यानी 80,000 लाइफ टाइम तक मुझे ये मिलता रहेगा। और अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न एट एज ऑफ 100, अगर मैं 100 साल का हो जाता हूँ और उस समय मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1,05,00,000 रुपए, राइट 1,05,00,000 रुपए मिलता है। तो ये सबसे बड़ा स्कीम है और अच्छा रिटर्न है, क्योंकि इसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट यानी पेंशन के साथ साथ आपको मेच्योरिटी पे बहुत ही बड़ा अमाउंट मिल रहा है। अब मेंशन टोटल बोनस इज टेकन एज पर द कॉर्पोरेशन बेनिफिट इलस्ट्रेशन सिनेरियो 2। डिस्क्लेमर की बात करें, प्रीमियम शो अबव इज इंडिकेटिव एंड द नॉट एग्जैक्ट एक्चुअल प्रीमियम मे बी वेरी अकॉर्डिंग टू द अंडरराइटिंग रूल्स एप्लीकेबल। मेच्योरिटी कैलकुलेशंस डिस्प्लेइंग द एप्स इज अप्रॉक्सली मेड। तो दोस्तों ये एग्जांपल था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पॉजिटिव अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर आप मेरे परचेज करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे पॉजिटिव परचेज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए करना कि आपको राइट साइड में लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।